डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, 10th क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग एक न्यू चैप्टर को शुरू किए हैं, चैप्टर नंबर 13 NCERT के बुक से, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 शुरू करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले वाली जो वीडियोज हैं उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि पिछले 2 क्लास हुए हैं इस चैप्टर की। उस चैप्टर्स में हम लोग पिछले वाले क्लास में ये पढ़े कि क्या होता है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले और अर्धगोले, उससे रिलेटेड क्षेत्रफल और आयतन की भी बात हम लोगों ने की है। तो वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे फार्मूले को देखे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस में इन कर गए हैं। ये ध्यान रहे, हम लोग जो भी सॉल्यूशन करते हैं बुक NCERT, ठीक है, चैप्टर नंबर 13, एक्सरसाइज 13.1। चलिए पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। दो घन जिनमें से प्रत्येक, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा, उल्टी पड़ रही थी। चलिए, दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जी हाँ, सबसे पहले बोल रहा है कि घन है, और घन एक नहीं है भाई, दो दो घन है। एक घन ये हो गया, बताते चले, एक घन है और इस घन का ना हमें आयतन दे चुका है भाई। ये एक घन है और घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का फार्मूला हम लोग खुद सीखे हैं, AQ। A का मतलब क्या होता है, भुजा। AQ बराबर 64, इसलिए A बराबर EQ इधर जाएगा तो इधर घनमूल चढ़ जाता है। जैसे कि आप सीखे होंगे, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, उसी तरीके से पावर 3 हटता है तो ध्यान रहे ये घनमूल चढ़ता है, और 64 का घनमूल आप जानते होंगे 4 सेंटीमीटर। इसलिए हमको पता चल गया कि एक जो घन है उसका भुजा कितना है, ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है, 4 है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होते हैं घन की। लेकिन बोला क्या जा रहा है ना भाई, बहुत इंटरेस्टेड है, बोला का गया कि इसको जो है, इसको एक और इसमें इसी आकार का घन को जोड़ा गया है। अगर हम इसको और इसके आकार में घन जोड़ेंगे, इट मीन्स कि ऐसे, देख पा रहे हैं, जी हाँ, इस तरीके से। अब इसी तरीके से एक और उसी साइज का घन जोड़ेंगे तो इसका भी भुजा यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 4 होगा। इस तरीके से दो गो घन जोड़ रहे हैं, तो सवाल भी बोला है कि दो गो घन जोड़ेंगे तो एक घनाभ जैसा नजर आएगा, एक ईंट जैसा, जैसे ईंट का आकृति घनाभ का होता है ना। तो दो घन को हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए तो पता चला कि अब क्या बन गया, ये घनाभ। तो अब हम लिखेंगे दो घनों को आपस में जोड़ने पर बने घनाभ में कॉमा, एल, अब देखो कितना हो गया भाई, एल, एल का मतलब पूरा लंबाई। तो दो को घन को जोड़ेंगे तो यहाँ वाला 4 और यहाँ वाला 4, लंबाई कितना हो जाएगा टोटल, 4+4 यानी कि 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई ब्रेथ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना भाई, 4 सेंटीमीटर।
एच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो सवाल में क्या बोल रहा था, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब याद रखिएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय, तो जब भी पृष्ठीय खाली बोलेगा तो इसका मतलब ये समझना है कि पूरा क्षेत्रफल निकालना है। जब तक कि ये सवाल में न बोले कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए, तब तक हमको यही समझना है पृष्ठीय का मतलब क्या, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और हम आपको बताए थे कि घनाभ का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 (lb) + (bh) + (hl)। इस तरीके से आपको इसको खुद सॉल्यूशन कर लेना है। 2 का 2 रखिएगा, l के जगह पे 8 गुना में 4 प्लस b के जगह पे 4, h के जगह पे भी 4 और h के जगह पे 4 और l के जगह पे 8। और इसको पहले ब्रैकेट में सबको जोड़ लेना है, उसको 2 से गुना कर देना है। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हम लोगों ने किया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हालांकि इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा, फार्मूला पे बैठा दीजिएगा एल बी एच की जगह पे। फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। चलो अब एक बर्तन बनाते हैं भाई दूसरे क्वेश्चन के लिए। एक अर्धगोले आकार का बर्तन है, सबसे पहले इस तरह का एक अर्ध गोला है, देख रहे हैं, अर्ध गोले आकार का बर्तन है, बना लिया हमने। फिर क्या बोला जा रहा है, अर्ध गोले आकार का एक बर्तन है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब रखा हुआ है। देख लो भाई, ये अर्ध गोला है और इस पर एक बेलन रखा हुआ है, खोखला बेलन। तो बेलन रख दिया मैंने, इस तरह से आकृति बनेगा। यानी कि इस चैप्टर में आपको आकृति बनाना है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं था, छोटा बना दिए। ये एक अर्ध गोला हो गया और ऊपर वाला क्या हुआ, बेलन हुआ। तब क्या बोला जा रहा है, बेलन अध्यारोपित है। अर्ध गोले का व्यास हमको 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन का कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक देखिए, आंतरिक का मतलब अंदर वाला। अब चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बोला कि जो अर्ध गोला है उसका व्यास हमको कितना दिया है, 14, टोटल यहां से यहां तक। तो जितना अर्ध गोला का व्यास है उतना ही ना बेलन का भी होगा, 14 सेंटीमीटर व्यास। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि वो अर्ध गोला पर ही रखा हुआ है, अर्ध गोला पर रखा हुआ है, इसलिए अर्ध गोले का जितना व्यास होगा बेलन का भी व्यास उतना ही होगा। और बात करते हैं तो व्यास जो है का आधा होता है त्रिज्या, तो यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या कितना हो गई, तो यहां लिखिएगा कि व्यास का वैल्यू हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या का मान 14 में आधा होता है यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लिए यहां से। फिर क्या बोला कि टोटल बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक टोटल बर्तन की ऊंचाई दिया है। और आप बताओ कि इस अर्ध गोले का त्रिज्या हमको 7 है, तो इधर कितना बचेगा, इधर 6 ही ना बचेगा बेलन का, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक के 13 है और यहां से यहां तक 7 है, तो ऊपर 13 में से 7 घटाएंगे तो इधर बेलन के लिए तो 6 ही ऊंचाई बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बेलन की ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसलिए भाई क्योंकि टोटल बर्तन, बर्तन तो अब दोनों मिलाकर ना हुआ, अर्ध गोला भी हुआ और बेलन भी हुआ, तो अर्ध गोला पर एक बेलन रखा हुआ था तब एक बड़ा बर्तन बना। इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 था और अर्ध गोले का ऊंचाई का अगर बात करें तो ये 7 होगा, क्योंकि त्रिज्या 7 है तो सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, तो यहां से यहां तक 7, तो बेलन के लिए ऊंचाई कितना हो गया, 6। अब देखिए यहाँ से इतना चीज निकालने के बाद दोस्तों, अब हम लोगों को यहाँ से एक बात पता लगना चाहिए, वो ये कि
आंतरिक बोल रहा है। आंतरिक का मतलब अंदर वाला। अगर मान लेते हैं ऐसा बर्तन रहे और अंगुली लगाने को हमको, आंतरिक का मतलब कौन सी, अंदर का एरिया। तो अंदर का एरिया कौन कौन सा होगा, तो पहले ये वाला, जब भी हम पेंदी में लगाएंगे तो खाली यही वाला ना मेरा अंगुली टच करेगा अंदर से, अंदर से तो यही करेगा। अब ई वाला तो भाग है ये नहीं है, ई वाला तो खाली है, खोखला है। तो कहने का मतलब है कि ई वाला वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और बेलन भी खोखला है, यानी कि इसको हम लोग कहाँ टच कर सकते हैं, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो कि कैसा है, बेलनाकार है। तो कहने का मतलब है कि आंतरिक यहाँ पे बोल रहा था कि मतलब अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, मतलब ये वाला। अब ये वाला का मतलब क्या, तो यहाँ लिखेंगे कि बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कुछ लिखेंगे बराबर में अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जगह नहीं है तो थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं, वो ये कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे इस दूसरे एक नोट से, उस पर बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखिएगा, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का वक्र। वक्र हम क्यों कह रहे हैं कि जब भी बर्तन में आप हाथ डालिएगा तो अंगुली इसी को ना टच करेगा, तो ये वर्काकार है, मतलब मुड़ा हुआ है। और बेलन भी हम लोग चारों तरफ से टच कर सकते हैं, जैसे बाल्टी वगैरह कैसे हुआ, तो उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे टच कर सकते हैं। तो ये बेलन का कौन सा एरिया निकालेंगे अंदर में, क्योंकि ऊपर भी तो खोखला है ना, ऊपर वाला तो मुँह जो है खुला हुआ है। तो इस तरीके से बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब आपको पता होगा कि अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भाई 2πr², ठीक है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, क्लियर। अब 2 के जगह 2 रखिएगा, पाई के जगह पे तो यहाँ कुछ बोला नहीं है सवाल में, तब कितना रखना है 22/7, और आर स्क्वायर, तो आर त्रिज्या कितना है 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और एच मैंने बेलन का ना ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई यहाँ से देख लीजिए कितना है 6। अब इसको आपको क्या करना है, पहले गुना वाला इतना जो कट रहा है ऐसे काट कूट के, इसको भी जो कट रहा है ऐसे काट कूट के गुना करके, तब जो है ऐसे कि लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद जो आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो ये कहने का मतलब है इस चैप्टर में आप अच्छे से समझो, तो फिगर को अगर आपने समझ लिया कि कहाँ से क्या दिया है, और आंतरिक बोल रहा है तो समझना है कि अंदर वाला, और अंदर वाला कौन कौन सा भाग हम टच कर सकते हैं, खोखला है, खोखड़ बेलन है, तो ये सब दूसरा बात ना, सब चीज़ को भाई नहीं दर्शाया जा सकता है, कुछ बातें हमको समझना भी पड़ता है कि खोखला है इसका मतलब हम अंदर हाथ डाल सकते हैं, तो हम अंदर हाथ डालेंगे तो कौन सा भाग टच कर सकते हैं, तो बहुत तरह की बातें हैं जिसको हम लोग एज्यूम करना पड़ता है। सब चीज़ फिगर में थोड़ा ना पता चल रहा है कि बेलन है, ये लग रहा है कि आयत जैसा है। तो कहने का मतलब है कि आप इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, फार्मूला याद रखिए, यानी कि प्रैक्टिस करो भाई मेरे, अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। देखो अब बोला जा रहा है कि एक शंकु है, तो शंकु कितना सेंटीमीटर वाला है भाई, उसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला है। चलो एक शंकु बनाते हैं, शंकु तो ऐसा ही होता है, शंकु तो यही है। अब ये जो बोल रहा है शंकु जो है, एक ये शंकु है और बोल रहा है कि एक अर्ध गोले पर आधारित है, इस तरीके से देख लो। अब शंकु की त्रिज्या हमको दिया है, तो शंकु की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या का मतलब यहां से यहां तक 3.5 सेंटीमीटर, ये शंकु का जितना त्रिज्या है
अर्धगोले की भी त्रिज्या उतना ही है, क्योंकि यहाँ पे वही बोला गया कि एक एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, उसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि उतना ही त्रिज्या है लेकिन अर्धगोले पर अध्यारोपित है, माने कि अर्धगोले पर रखा हुआ है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, देख लो, इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई का मतलब 15.5 सेंटीमीटर है, नीचे से लेकर खिलौना का पूरा ऊपरे तक हमको दिया है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे त्रिज्या हमको 3.5 है दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए। त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद ये त्रिज्या 3.5 है तो यहां से यहां तक 3.5 होगा, क्योंकि त्रिज्या तो हर जगह की अर्धगोले की बराबर होगी। तो शंकु की ऊंचाई कितना बच जाएगा, ये वाला पोर्शन कितना बच जाएगा, तो जब ये 3.5 यहां से यहां तक है तो टोटल ऊंचाई 15.5 है, तो यहां से यहां तक 12 ही होगा ना। शंकु की ऊंचाई कितना हो गया, यानी कि शंकु का ऊंचाई हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है भाई, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। रिफिल खत्म हो गया, पेन चेंज करते हैं, जस्ट वेट। तो ये जो खिलौना है उस खिलौने का बात कर रहे थे कि हमको निकालना क्या है, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पूरा, अभी जो खिलौना है ना भाई, तो देख लो कौन कौन सा खिलौना का पार्ट है, ये देख लो यहां से ये संपूर्ण का मतलब चारों ओर, चारों तरफ से ये वाला, ठीक है। अब संपूर्ण का मतलब ये हो गया, अब तुम समझ रहे हो कि अंदर वाला ये वाला का भी तो निकलेगा, नहीं भाई, संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण का मतलब ये पूरा खिलौना हो गया और इस पूरे खिलौने का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इस खिलौने का पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए यहां से यहां तक अर्धगोले का वक्र निकालेगा और शंकु का भी वक्र निकालेगा, क्योंकि ये चारों तरफ का निकलेगा। तो कुल मिलाकर वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको सबसे पहले शंकु का एल निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले यहां हम लोगों को एल निकालना पड़ेगा, एल का फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप यहां से एच का स्क्वायर करिएगा, आर का स्क्वायर कीजिएगा, इसका रूट कीजिएगा, एल निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब फिर लिखिएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में किसको किसको, तो अर्धगोले का वक्र, क्योंकि संपूर्ण का मतलब पूरा चारों तरफ से, तो इसका ये वर्काकार है, मुड़ा हुआ है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा संपूर्ण बोल रहा था तो चारों तरफ, तो शंकु का वक्र वाला ना शामिल होगा। तो अब देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम जानते हैं 2πr² होता है और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो 2 का 2 पाई का जगह पे 22/7, आर के जगह पे हम लोग देखे हुए हैं 3.5 × 3.5, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3.5 और एल का मान जितना निकलेगा यहाँ से उसका वैल्यू, और दोनों को ऐड कर देंगे उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के, तो दोस्त आज हम लोग 3 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किए, तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।